पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का यह हाल हो गया कि जहां पर जो पार्टी को अपने उसूलों से बिछड़ जाने की बात करने लगे उनको बोला गया कि तुरंत इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, इनको राष्ट्रीय पीएसी से निकाल देना चाहिए, इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल देना चाहिए। और आज हमने सुना है ये संवाद ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको शायद पार्टी से भी निकाल दिया गया है। अब की बार ये जरूरी है कि हम जो भी संगठन बनाएं और अगर कोई पार्टी बनाएं तो उसके पहले ये हमको जाहिर करना पड़ेगा कि हम उस संगठन में पार्टी बनाने के पहले, चुनाव लड़ने के पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम में ये काबिलियत है, हम ये करके दिखा सकते हैं कि एक संगठन कैसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से स्वराज के माध्यम से बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से चल सकती है। जिस दिन हम ये दिखा सकें कि हमारा संगठन ऐसा हो गया है जो उन्हीं आदर्शों पर कायम है जिन आदर्शों को लेकर हम चले थे, उस दिन जब हमको लगे कि हमने वो कर लिया है उस दिन हमको हम उसको पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। अगर आज हम तुरंत एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा कर देते हैं तो उसमें फिर से वही खतरे हैं जो हमारी आम आदमी पार्टी में आज दिखाई दे रहे हैं।